नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज अग्रवाल। आप देख रहे हैं आपका प्यारा YouTube चैनल गार्डनिंग इज माई पैशन का हिंदी वर्सन। दोस्तों, आज मैं आपको बताने आया हूं कि कैप्सिकम या शिमला मिर्च आप पौधे से कैसे ग्रो कर सकते हैं। ये मैंने सीडलिंग्स खरीदी है नर्सरी से, करीब 25 सीडलिंग्स है इसमें कैप्सिकम की। ये ग्रीन कैप्सिकम है, हरी रंग की कैप्सिकम है। और आप छत में हो या फिर कोई बैल्कोनी में हो, आसानी से कोई भी गमले में हो, छोटे या बड़े गमले में, आसानी से ये कैप्सिकम ग्रो कर सकते हैं और आपके किचन में यूज़ कर सकते हैं। मैं एक एक करके तरीका बताऊँगा कि आपको कैसे ये ग्रो करना है। कोई भी पॉट ले लें, ये छोटे पॉट में पहले ये 4-5 इंच के जो पौधे हैं, ये मैं 3 इंच के मिट्टी के गमले में ट्रांसफ़र करूँगा पहले। तो ये आप करेंगे अक्टूबर से लेके जनवरी तक आप ये ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। मिट्टी का जो मिश्रण लूँगा मैं, ये कंपोस्ट लूँगा, मिट्टी लूँगा, गार्डन सॉइल 60% और 40% लूँगा कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट। यहाँ मैंने काउडंग कंपोस्ट यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि गोबर का खाद। सूखा होना चाहिए और करीब 2 साल पुराना होना चाहिए। और अच्छी तरह से ये मिक्स कर लूँगा, 40% काउडंग कंपोस्ट और 60% गार्डन सॉइल। और ये मैं छोटे छोटे जो गमले हैं उसमें मैं भर लूँगा, करीब आधा उसको भर के उसके बाद उसमें मैं ट्रांसप्लांट करूँगा। करीब मैं ये जो 3 इंच के गमले हैं मिट्टी के गमले, अगर आप चाहते हैं कोई प्लास्टिक के गमले हैं तो उसमें भी आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, अगर कोई प्लास्टिक का ग्लास हो उसमें भी आप कर सकते हैं। तो ये तो मैंने भर लिया है, इसकी मिट्टी आधी भर लेता हूँ इसमें। और उसके बाद जो एक एक करके पौधा मैं निकाल के इसमें से ट्रांसप्लांट करके दिखाता हूँ। ये हरी रंग की है, आप चाहे तो लाल रंग या पीला रंग के भी पौधे मिल जाते हैं जो आपसे शिमला मिर्च ग्रो करते हैं। तो ये तो देखिए, मैंने एक एक करके ट्रांसप्लांट करता हूँ। इसमें भी पौधे हैं, करीब थोड़े लंबे हैं ये, और करीब सब मिला के 25 पौधे हैं। एक एक पौधा मैंने 3 रुपये करके ख़रीदा है नर्सरी से। अगर आप चाहते तो सीड से भी सीडलिंग कर सकते हैं, या अक्टूबर नवंबर महीने में सीडलिंग बना ले तब भी हो जाएगा। तो ये देखिए, मैं पौधे निकाल के इसमें ट्रांसप्लांट करता हूँ। 3 इंच के गमले में पहले ट्रांसप्लांट करूँगा, 7-8 दिन उसको हल्के शेड में रख दूंगा और उसके बाद बिल्कुल धूप में इसको निकाल दूंगा। करीब महीनों भर इसमें रखने, थोड़ा पौधा बड़ा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, तब हम इसको 6 इंच या 8 इंच के गमले में ट्रांसप्लांट करेंगे। तो ये देखिए, ये पौधा है, तीसरा चौथा पौधा भी मैं ट्रांसप्लांट कर रहा हूँ मिट्टी में। आसानी से इसको करें और मैं एक एक करके सारी तकनीक बताऊंगा, क्योंकि ये जो कैप्सिकम या शिमला मिर्च ग्रो करना है इसमें काफ़ी डिजीजेस लगते हैं। तो डिजीजेस जो है, रोग कैसे आप प्रतिरोध कर सकते हैं उसका भी मैं आगे आगे चल के बताऊंगा। आप पूरा वीडियो देखिए कैसे क्या करते हैं, मैं बताता हूं आपको एक एक करके। और अब इसमें क्या है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल दें, ज़्यादा पानी नहीं डालें। ज़्यादा पानी डालने से मिट्टी सौगी होने से पौधे मरने का डर रहता है। तो इस तरह से आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं, कोई भी टेरेस में हो, बैल्कनी में हो, और आपको बहुत अच्छी जो है ले सकते हैं। और चलिए मैं एक एक करके दिखाता हूं आपको कैसे इसको रखेंगे। 1 महीना इस गमले में रखें, उसके बाद आप ट्रांसप्लांट कर दें 6 इंच या 12 इंच के गमले में या 8 इंच के गमले में। ये देखिए, 1 महीने बाद ये मेरा पौधा काफ़ी बड़ा हो गया है, इसमें फूल भी आने लग गए हैं सारे, और काफ़ी सारे छोटे छोटे फल भी लग गए हैं इसमें। छोटे छोटे कैप्सिकम या शिमला मिर्च लग गए हैं, ये दिखाता हूँ मैं आपको, छोटे छोटे कैप्सिकम भी इसमें लग गए हैं 2-3। तो इसको मैं अभी ट्रांसप्लांट करना ज़रूरी है, मेरे पास 8 इंच के गमले नहीं है, तो मैं 6 इंच के गमले में इसको ट्रांसप्लांट कर दूंगा। और 6 इंच के गमले में ट्रांसप्लांट करने से काफ़ी सारे ग्रोथ हो जाएगी और आपके जो शिमला मिर्च भी है काफ़ी अच्छे मिलेंगे। लेकिन अगर आप 8 इंच के गमले या 12 इंच के गमले में करेंगे तो 2 पौधे भी एक साथ लगा सकते हैं, और उसमें शिमला मिर्च भी आपकी काफ़ी बड़ी होगी साइज़ की, करीब 100 ग्राम साइज़ की शिमला मिर्च मिल जाएगी। यहाँ पर जो मिलेगी ये थोड़ा छोटा 6 इंच के गमले में करीब 40-50 ग्राम की शिमला मिर्च साइज की मिलेगी। तो मेरे पास तो अभी गमला नहीं है, 6 इंच का ही है, तो 6 इंच के मैं ट्रांसप्लांट करके फिर मैं आपको दिखाता हूं 1 महीने बाद कि कैसी ये ग्रोथ हो रहा है। हर दिन आप पानी जरूर से डालें। तो दोस्तों, और 2 महीना बाद आपको स्वागत है। ये देखिए, मेरे जो 6 इंच में मैंने ट्रांसप्लांट किए थे इसमें सारे जो है शिमला मिर्च इसमें ग्रो कर गए, एकदम तंदुरुस्त पौधे हैं, बहुत ताज़े पौधे हैं, और इसमें सारे में शिमला मिर्च भी काफ़ी बड़े हो गए हैं। इसमें देखिए, करीब 40-50 ग्राम साइज के एक एक शिमला मिर्च है, और ये सारे हरे रंग की शिमला मिर्च है। अगर आप चाहते हैं लाल रंग या पीला रंग के भी शिमला मिर्च चाहते हैं, उस तरह के पौधे भी आप ग्रो कर सकते हैं, एक ही प्राइस में आपको ग्रो कर जाएगा वो भी कलर का। और ये देखिए पौधे, और इसमें ये जो मैंने किया है, सिर्फ इसमें जो खाद पहले थी वही डाली, उसके बाद अलग से कोई खाद नहीं डाली। और अगर आप 6-8 इंच के गमले में करेंगे तो जो फल का साइज है वो भी काफी बड़ा होगा। तो मैं आपको हिदायत देता हूं कि आप 8 इंच या 10 इंच के गमले में ग्रो करें, तो उसमें क्या होगा, आपका फल का साइज काफी बड़ा होगा, फल की संख्या में भी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, अच्छा होगा। और एक एक करके देखते रहिए, शुरू से जब हम सीड से सीडलिंग करेंगे उसमें काफ़ी से 2-3 तकनीक आपको अप्लाई करनी है। उसका तकनीक अप्लाई करने से आपको जो रोग है, रोग से या डिजीज से इसको क्रम्पल नहीं होंगे। इसमें मेनली जो डिजीज आते हैं उसमें लीफ कर्ल डिजीज है,
पत्ते का जो कुकड़ जाते हैं पत्ते, मुड़ जाते हैं पत्ते और सूख जाते हैं पत्ते, उस तरह का डिजीज सबसे ज़्यादा आता है। तो एकदम मैं दिखाता हूँ एक एक करके आप क्या करना है। ये देखिए दोस्तों, जब एकदम जब आप सीड से सीडलिंग करेंगे अक्टूबर नवंबर महीने में, तब छोटा एक इंच या डेढ़ इंच का जब पौधा होता है तब सीडलिंग्स मर जाते हैं, तो उसमें क्या फंगस का अटैक हो जाता है उसका बेस में। तो आपको क्या करना है, एमिस्टार बोल के एक फंजीसाइड आता है, सिस्टमिक फंजीसाइड, 4-5 बूंद या 10 बूंद, यानी कि 0.25 ml या 0.5 ml आप 1 लीटर पानी में डाल के इसको आप स्प्रे कर देंगे उसमें एक बार, तो आपको क्या होगा, ये जो डिजीजेज है फंगस डिजीज के बारे में, इसमें पौधे मरेंगे नहीं। उसके बाद जब पौधा तो आपका बड़ा हो जाए, तो उसके बाद आप उसमें लीफ कर्ल डिजीज या और कोई डिजीज में आप प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आपके पौधे में कोई इंसेक्ट लग जाए, कोई भी कीड़ा मकड़ों का अटैक हो जाए, तो आप थीटा नाम से एक ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड आता है, इसका 1 ml पर लीटर में आप स्प्रे कर दें, और इससे क्या होगा, आपका इंसेक्ट किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े हों, थ्रिप्स हो, जैसिड्स हो, इस तरह के जो है माइट्स हो, ये इसमें अटैक से बच जाएंगे आप। तो ये ज़रूरी नहीं है अगर आपके इंसेक्ट से ज़्यादा अटैक हो तब भी हो, लेकिन ये जो है सिम्बूस, ये क्लोरोपायरीथ्रिन एक कॉम्पाउंड है, क्लोरोपायरीफॉस, तो ये आप सिम्बूस जरूर यूज़ करें 1 ml पर लीटर में, क्योंकि उसमें व्हाइट फ्लाई का बहुत जोर अटैक, सफ़ेद मक्खी का बहुत अटैक होता है, उससे बेगमो वायरस का अटैक होता है पौधे में, और वह पूरे पौधे में लीफ कर्ल डिजीज हो जाता है, इससे ज़्यादातर ज़्यादा 80-90% पौधे मर जाते हैं। तो वो जरूर अप्लाई करिए, उसमें आपको नहीं होगा। और अगर आप में फंगस का अटैक होता है, इसमें कोई फुफुंदी का अटैक होता है, ये साफ फंजीसाइड है, सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट फंजीसाइड का मिक्सचर है, ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं 1 ml पर लीटर में। लेकिन जो भी करेंगे आप, जब ये पहले 1 महीने में कर ले, जब तक फल नहीं आया इसमें या फूल नहीं आए तब तक आप इसका कर ले पूरा उपचार, उसके बाद आप कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके बाद फल आएंगे तो उसके बाद ये सब प्रयोग करेंगे तो ये केमिकल सारे पॉइजनस होते हैं, तो आप इसको प्रयोग करना ठीक नहीं रहेगा। जब आप 1 महीने तक पौधा हो जाए तब तक कि आप ये सबका प्रयोग करिए, तब कभी आपका कोई भी रोग नहीं आएगा, और आपको पौधे जो है फलों से भरे रहेंगे, और आप कम से कम 2-3 महीने तक इसमें से फल ले सकते हैं। जो भी शिमला मिर्च आपके किचन के लिए काफ़ी होगा, अगर आप 10-12 पौधे भी आप पौधे लगा लेंगे टेरस में या बेलकोनी में। और ध्यान रखें, इसमें पूरा धूप चाहिए, हर हल ऑल्टरनेट डे में आप पानी डाल दें, और कुछ नहीं करना आपको, उसमें फल आपके मिलते रहेंगे। ध्यान रखें कि सिर्फ पंछियों से या फिर और कीड़ों मकोड़े से बचाए, और ये पौधे में बिल्कुल फल होंगे। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आए, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चाहे तो शेयर कर सकते हैं यार दोस्तों के साथ, और अगर आप चैनल में नए हैं तो जरूर जो है सब्सक्राइब करिए, और आगे आगे चल के मैं आपको बहुत कुछ देने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।